एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्कल्पचर्स के बारे में और इसमें तीन स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, मथुरा, गंधारा एंड अमरावती। तो ये प्लेसेस कहाँ पर हैं इनके बारे में भी आपको पता चलेगा, इनके इनमें जो इमेजेस बनी हैं उनके फीचर्स कैसे हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो पहले हम देखते हैं स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया। ये जो फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड सेकंड सेंचुरी एडी के बाद इसे जो है वो प्रोपोगेट ज़्यादा किया गया और इसमें बुद्धा की इमेजेस के बारे में ज़्यादा दर्शाया गया, ठीक है। और हम देखेंगे अब एक एक करके तीनों स्कूल्स के बारे में। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये जो है पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान है, पहले तो ये इंडिया ही होता था पूरा, तो वहाँ पर ये पाया गया, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और ये इंडो ग्रीक रूलर से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड थे। और उस टाइम कौन सा मीन्स रूलर थे, साकास एंड खुशाना, जो कि कृष्णा रेन में आता था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैनी जो आर्टिस्ट्स हैं वो वेस्ट एशिया से आते थे, क्योंकि ग्रीक इन्वेंशंस हो रहे थे ना, तो उस समय ये ग्रीको रोमन आर्ट से भी बहुत प्रभावित हुए। ये खुशानाज ने फिर अपनी जो इमेजेस बनाई, जो स्कल्पचर्स बनाए, उसमें जो है रोमन इफेक्ट भी डाल दिया। और ये जो खुशानाज किंग थे, कनिष्का, साका, ये सभी, इन्होंने जो थीम रखी, इनकी जो स्कल्पचर्स की थीम थी वो थी बुद्धास लाइफ, जताकास के बारे में, जताका वही जो कि प्रीवियस लाइफ थी बुद्धा की, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने दर्शाया। और ये जताकास के बारे में आपको सभी पता चल सकता है, एक हमने पुरानी वीडियो बनाई है केव्स के बारे में, वो भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केव्स के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बुद्धा एंड बोधिसत्त्व दोनों के बारे में बात की गई है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है कि गंधारा में जो है वो ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है मैच द फॉलोइंग में, कि तीनों जो स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं तीनों में कौन कौन से जो है वो कलर के सैंडस्टोन मींस इमेजेस कौन सी उसके बने स्टोन के, ठीक है, कलर कौन सा था। तो ये जो गंधारा था वो ग्रे सैंडस्टोन का था, ठीक है। और उसमें इसके बाद ये बताया गया कि ये जो है ग्रीक से तो इन्फ्लुएंस थे ही थे, रोमन, पर्शियन, साका, खुशाना, ये इन सभी का जो मिक्सचर था वो इन्होंने गंधारा स्टाइल में डाला था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले उससे पहले ये देखिए, जलालाबाद, बेग्राम और हद्दा, बमारन, तक्षशिला, ठीक है, ये सभी जो प्लेसेस हैं ना ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ही आते हैं, जो कि आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की। इसमें पहली बात तो यही है कि बुद्धा के बर्थ के बारे में बताया गया है, हिज रिनन्सिएशन के बारे में, प्रीचिंग के बारे में, कि उनको मुक्ति कैसे मिली, उन्होंने अपना ज्ञान कैसे दिया, इन सभी के बारे में बताया। और ये फर्स्ट सेंचुरी एंड सेकेंड सेंचुरी एडी के टाइम पर ही था, ठीक है। द ड्रेपरी वॉज थिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है ना गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ने फिजिकल फीचर पर ज़्यादा ध्यान दिया, कर्ली हेयर्स दिखाए हैं, मसल्स दिखाई हैं, मोस्टेच दिखाए हैं, मूछे वगैरह, ठीक है। ड्रेपरी मींस जो उन्होंने कपड़े बनाए हैं ना बुद्धा के, वो बहुत थिक थे। अब जैसे हम दूसरों से कंपेयर करेंगे ना, दूसरे स्कूल ऑफ आर्ट से, तो उनके जो है थिन थे, ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बारे में अब हमने पढ़ लिया कि अब आप एक बारी रिवाइज कर लीजिए कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो ग्रे सैंडस्टोन से बने हुए थे इनकी इमेजेस, और ज़्यादा फोकस किस पे था, बुद्धास की प्रीवियस लाइफ मीन्स जताकास के बारे में, ठीक है। और इन्होंने बुद्धा एंड बोधिसत्त्व के ऊपर इमेजेस बनाई, ग्रीक इफेक्ट और रोमन इफेक्ट, ये सभी, और अपना इंडिजीनियस, ये सभी मिक्सचर था इनमें, ठीक है। और ये पेशावर में पाई गई इनकी जो है, जो कि आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इनकी जो बुद्धा की इमेजेस जो फर्स्ट है वो भी कनिष्का के टाइम की हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है डिफरेंस वो ये है कि इनके जो सैंडस्टोन था वो रेड सैंडस्टोन था, ठीक है। और ये इंडिजीनियस स्टाइल था, इन्होंने किसी से इन्फ्लुएंस होके मीन्स ग्रीक रोमन से इन्फ्लुएंस नहीं थे, ये अपना ही
यहाँ का इंडिया का ही इंडिजीनियस जो है उनके फीचर्स थे, ठीक है। और उसमें इन इसके बाद ये बताया गया है कि वैष्णव एंड शिवा फेथ के बारे में भी इन्होंने इमेजेस बनाई हैं बुद्धिस्ट के साथ साथ। उसमें क्या था, सिर्फ बुद्धा के बारे में, बुद्धा की लाइफ, प्रीचिंग, रिनन्सिएशन, इन सब के बारे में था, लेकिन इसमें वैष्णव मतलब हिंदुइज़्म भी आ गया अभी इसमें, ठीक है। वैष्णव और शिवा ये हिंदूज के हैं ना, और बुद्धिस्ट के तो थे ही इसमें, ठीक है। और इसमें ये नहीं था कि सिर्फ शिवा एंड विष्णु के बारे में बताया, लेकिन पार्वती, लक्ष्मी मीन्स फीमेल डाइटीज के बारे में भी इन्होंने इमेजेस बनाई हैं। और इसमें जेंट्स के बारे में भी जो है वो रिकॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है 24 अंकराज हैं, ठीक है, जेंट्स के, उनके उनके भी रिकॉर्ड इसमें जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ है पाया गया, तो सारनाथ, कौशाम्बी, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि जो सारनाथ के बुद्धा की इमेजेस है ना, उसमें दोनों शोल्डर्स पर जो है उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है, और जो हेलो है जो सिर के अराउंड बनता है ना, जैसे गॉड के बनाए होते हैं इन्होंने इमेजेस में, तो वो ज़्यादा ऑर्नामेंटल नेशन जो है वो नहीं था, मीन्स ज़्यादा सजाया हुआ नहीं था। लेकिन जो मथुरा के बुद्धा इमेजेस मिली हैं उसमें जो हेलो है वो हैविली डेकोरेटेड था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, और ये पिक्चर देखिए आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, जो कि लॉर्ड विष्णु की है, ठीक है। और उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये इंटरनल ब्यूटी के बारे में, फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में ज़्यादा ध्यान देता था, और बॉडीली जेस्चर्स जैसे गंधारा में था ना, मसल्स वगैरह दिखाई गई थी, वो इसमें नहीं था। ये इंटरनल ब्यूटी दिखाता था, स्माइलिंग फेस दिखाता था ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेशन इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसमें मैंने बताया वही कि राउंड फेस दिखाया गया है, स्माइलिंग दिखाई गई है बुद्धा एंड बोधिसत्वास की, ठीक है। गारमेंट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। और सेकंड एंड थर्ड फोर्थ सेंचुरी एडी में ये काफ़ी चला, एक्सट्रीम पे था, लेकिन फिर रिड्यूस प्रोग्रेसिवली, ठीक है, बाद में जाके ये रिड्यूस हो जाते हैं इनकी इमेजेस बनना जो भी, ठीक है। उसके बाद हेलो जो अराउंड था वो बुद्धा का, वो हैविली डेकोरेटेड था, लेकिन जो गंधारा में था उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, मथुरा में ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने मथुरा के बारे में क्या क्या पढ़ा है, रेड सैंडस्टोन से बने थे, इंडिजीनियस थे, किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे, और ये मेल और फीमेल दोनों डेटीज में बनाए गए थे, हिंदूज जैन्स और बुद्धिस्ट तीनों के बारे में इनके इमेजेस मिले हैं, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इंडिजीनियस था, और गंधारा जो है वो सभी फॉरेन जो रूलर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस था, जैसे रोमन एम्पायर, रोमन से, ग्रीक से, ठीक है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है रेड सैंडस्टोन के स्पॉट मिलते हैं, और जो गंधारा है वो ग्रे सैंडस्टोन के, ठीक है। और मथुरा में जो है वो जैसे फिजिकल उस पर ध्यान नहीं दिया उस फीचर्स पे, लेकिन जो है आउटर इंटरनल जैसे था, इंटरनल ब्यूटी के बारे में बताया गया, स्माइलिंग, राउंड फेस, ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें कर्ली हेयर्स दिखाए गए, मोस्टेच दिखाए गए, मसल्स दिखाई गई, ठीक है। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हेलो के ऊपर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं था, मथुरा स्कूल में ज़्यादा डेकोरेशन हेलो पर दिया गया था। अब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे आ जाते हैं, पहले तो इनकी पिक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। ये अमरावती में पाया गया, जो कि कार्विंग ऑन आउटर वॉल ऑफ स्तूपा, एक स्तूपा के ऊपर कार्व किए हुए हैं, कितना सुंदर है वैसे ये। उसके बाद देखिए जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ये आंध्र प्रदेश, क्योंकि पता है हमें अमरावती आंध्र प्रदेश में है, तो ये पहले जो है इनका जो है प्रोपोगेट किसने किया, सातवाहनास ने, लेकिन बाद में इश्वाकुश ने किया था, ठीक है। और ये डियरली 6th सेंचुरी के टाइम पे था, लेकिन स्टार्ट ये 200 BC से हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट आर्ट, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गंधारा में तो सिर्फ बुद्धस के बारे में बात की गई थी, और जो अमरावती वाला था उस सॉरी जो मथुरा वाला था उसमें हिंदू जैन और बुद्धस के बारे में बात की थी। अब इसमें हम देखेंगे कि किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाइट मार्बल से बना है, इसके जो स्कल्पचर्स हैं उसमें जो है एक एनर्जी सी देखी गई है, नेचुरलिज्म इन ह्यूमन, जैसे एनिमल्स, फ्लोरल फॉर्म्स, ये सभी देखे गए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर प्रोमिनेंट हुए, प्लेसेस कौन कौन से हैं, एक तो है अमरावती, ठीक है, नागार्जुनकोंडा, गोली,
घंटासाला एंड वेंगली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया। बुद्धा तो तीनों में ही आ रहे हैं, ठीक है। बुद्धा के बारे में तीनों ने ही स्कल्पचर्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमरावती जो स्तूपा है वो उसमें जो है लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में और बोधिसत्वास के बारे में बताया, बर्थ, मिरेकल, एनलाइटनमेंट और विक्ट्री ओवर मारा, सुंदरी, नंदा, ठीक है, ये सभी के बारे में इमेजेस जो है वो डिपिक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं और त्रिभंगा मूर्ति जिसे कहते हैं उसके भी जो है इसमें देखने को मिलता है अमरावती आर्ट में। और बौद्ध रिलीजियस जो है वो सेकुलर इमेजेस जो है वो शो करता है, ठीक है। और उसके बाद लेटर दिस स्टाइल गो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पालवाज एंड चोला आर्किटेक्चर, क्योंकि हमें पता है कि नीचे जो साउथ में जो है वो पालवाज एंड चोला चेरा ये सभी आए, तो फिर ये वाला स्टाइल जो था ना अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये उसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों स्कूल्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स पढ़ेंगे, मीन्स सभी स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।